प्यारे छात्रों, लर्न इंग्लिश इजली आपका एक बार फिर स्वागत करता है क्लास टेंथ के फर्स्ट फ्लाइट बुक के पहले चैप्टर के साथ, जो कक्षा टेंथ की पुस्तक है। इस बुक में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फ्यूंटेस ने, और यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लड़ रहा है, तो आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और आप वीडियोस देखकर पढ़ाई करें, और कोरोना की लड़ाई में, इस लॉकडाउन में आप सरकार की मदद करें, खुद को सुरक्षित रखें और पढ़ाई भी करते रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं अ लेटर टू गॉड। ये जो अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें ऑथर ने, यानी लेखक ने, बहुत ही मार्मिक तरीके से इस कहानी को सामने प्रस्तुत किया है। ही हैज़ प्रेजेंटेड द होल स्टोरी वेरी मीनिंगफुली, इमोशनली, बट ऑल्सो विथ सच अ ग्रेट फील दैट We should not be blind towards anything. हमें किसी चीज़ के प्रति एकदम अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए, अंधभक्त भी नहीं होना चाहिए। यह कहानी कुछ थीम्स पर आधारित है, कुछ कैरेक्टर्स हैं। पहले हम लोग कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर हम लोग इसकी थीम को समझेंगे। इस कहानी में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसमें पहला कैरेक्टर है लेंचो का, जो एक किसान है। Lencho the farmer. He is a farmer, very strong, and he works like an ox, एक बैल की तरह मेहनत करता है वो, और वह इतना मेहनती है कि दिन रात अपने खेतों में लगा रहता है अच्छी फसल के लिए। इस कहानी में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, एक पोस्टमैन है और पोस्टमास्टर है, जो कि पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं। इस कहानी में लेंचो की ही बात की गई है, और इसमें कुछ बातें आप पोस्टमैन और पोस्टमास्टर की भी सुनेंगे। इस कहानी का मुख्य थीम जो है, सारांश जो है, शिक्षा जो है, आप पाते हैं वो क्या है? द होल स्टोरी इज अबाउट एन एब्सोल्यूट और कंप्लीट फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। इसमें लेंचो जो किसान है, उसकी पूर्ण और दृढ़ विश्वास जो भगवान में है, उसे यह कहानी दर्शाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अति सर्वत्र वर्जयित, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी चीज की अधिकता और अत्यधिकता, इसको कहते हैं, वो बहुत खराब होती है। यहां पर उसके ब्लाइंड फेथ के कारण, उसके ब्लाइंड फेथ के कारण लोगों को कष्ट होता है, पेन टू द अदर्स। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एंड ऑल्सो ब्लाइंड फेथ गिव्स पेन टू अदर्स, एज लेंचो डज इन दिस स्टोरी। इस कहानी में लेंचो जैसा करता है, इसके कारण कुछ लोगों को कष्ट होता है। किन्हें कष्ट होता है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लेंचो के घर से, तो मैं यहाँ कुछ लाइन्स हैं उसे मैं पढ़ता हूँ। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका जो घर था, पूरी घाटी में इकलौता घर था उसका, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी थी जिसके शीर्ष पर, सबसे ऊंचाई पर उसी का घर था, चोटी पर कह सकते हैं। फ्रॉम दिस हाइट One could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से लेंचो जो था, वह नदी को देख सकता था, अपने खेतों को देख सकता था कि किस प्रकार उसके फसल में फूल लग गए हैं, और उसे विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। The only thing the earth needed,
उसके खेत की जो जरूरत थी अब वो क्या थी, वॉज अ डाउनपोर, एक हल्की सी बारिश। डाउनपोर का मतलब हल्की सी बारिश, डाउनपोर। एटलीस्ट अ शावर, चलो बहुत बारिश ना हो तो कोई बात नहीं, हल्की सी भी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सुबह से लेकर शाम तक एक ही चिंता उसको सताई रहती है, और जो कि वह अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो जानता है कि खेत में बस एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत है। एंड हैड डन नथिंग बट एल्स सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह सुबह से किधर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के दिशा में आसमान को ताकता रह रहा है, देखता रह रहा है ताकि एक बारिश हो जाए और उसकी फसल अच्छी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। लेंचो लुक्स ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसमान में वह देखता है कि एक बादलों का पहाड़ दिखाई पड़ता है उसे, और उसे आशा हो जाती है, ही होप्स टू गेट रेन, उसे आशा हो जाती है कि अब बारिश जरूर होगी। ही टेल्स हिज वाइफ हु इज कुकिंग इवनिंग मील्स, वह अपनी पत्नी को बताता है कि देखो लगता अच्छी बारिश हो जाएगी और हम लोगों की फसल अच्छी हो जाएगी। वह और उसका परिवार इतना मेहनती है कि ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड्स एंड स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, अभी भी उसके जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के सामने खेल रहे थे, नज़दीक में खेल रहे थे। एंड इट बिगिन्स टू रेन, और वर्षा शुरू हो जाती है। वह इतना खुश हो जाता है दैट ही कम्स आउट ऑफ द हाउस, वह घर से निकल आता है, एंड ही फील्स रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, और वह बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और खुशी में ही कंपेयर्स द बिग रेन ड्रॉप्स विथ 10 cents एंड स्मॉल विथ 5 cents, वह बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना करता है 10 cents के कॉइन्स से, सिक्कों से, और छोटों को 5 cents के सिक्कों से। वह बहुत आह्लादित है, वह बहुत खुश है, वह इस बात को लेकर बहुत खुश है कि बारिश अच्छी हो जाएगी तो उसका फसल पक जाएगा, और फसल काटकर जब वो फसल बेचेगा तो एक अच्छी उपज उसे मिलेगी, और उसे बेचेगा और पैसे कमाएगा, और साल भर वह अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खाएगा और जीवन बिताएगा। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। क्या है? चेंजिंग ऑफ रेन इंटू हेल स्टॉर्म, लेकिन अचानक ये हल्की बारिश ओलों के तूफान में बदल जाती है। सडनली द सॉफ्ट रेन टर्न्स इंटू अ हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान आ जाता है, ओले गिरने लगते हैं, ओले समझते हैं ना, जिसको आप पत्थर गिरना भी कहते हैं। एंड कंटिन्यूज फॉर एन आवर, और एक घंटे तक लगातार ओलों की वर्षा होती है। इट डिस्ट्रॉयज द होल क्रॉप ऑफ लेंचो, और लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। नो लीफ इज लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड द फील्ड्स आर कवर्ड विथ हेल, अब पेड़ों पर एक भी पत्ते दिखाई नहीं पड़ते, सारा खेत खलिहान सब ओलों से ढक जाता है, चारों तरफ ऐसा लगता है मानो नमक बिछ गया हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी बात? लेंचोज सोल इज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर जाती है। ही टेल्स हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहता है दैट दे विल डाई विथ हंगर दिस ईयर, वो इस साल लगता है भूखे मर जाएंगे, वह और उसका परिवार लगता है बच नहीं पाएगा। फिर क्या होता है? कहानी एक मोड़ लेती है। हिज होप एंड फेथ इन गॉड, जैसा कि शुरुआत में ही कहा था कि उसे भगवान में अटूट विश्वास है, तो उसी विश्वास को पुनः दिखाया जाता है। ही हैज ओनली वन होप लेफ्ट, अ हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास है भगवान की मदद का। बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स
that God never lets anyone die with hunger. वह समझता है इस बात को कि भगवान किसी को भी भूखों मरने नहीं देता। वह जगाता जरूर भूखा है लेकिन सुलाता खिलाकर ही है, ऐसा विश्वास है लेंचो का। His complete faith in God gives him hope. उसका अटूट विश्वास उसे आशा देता है। And he writes a letter to God. और वह एक पत्र भगवान को लिखता है। वह पत्र में क्या लिखता है? He demands 100 pesos. वह 100 pesos मांगता है God से। Pesos एक करेंसी है, एक मुद्रा है। वह भगवान से सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए और अगले साल फसल बोने के लिए, सो द क्रॉप नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो फिर से फसल लगा सके, इसके लिए 100 पिसोज की डिमांड करता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही पोस्ट्स द लेटर राइटिंग गॉड ऑन द एड्रेस। और वह अगले दिन पत्र लिखकर एड्रेस के जगह जहां पता लिखते हैं वहां पर वो भगवान लिखकर पत्र को पोस्ट ऑफिस में जाकर टिकट खरीदता है, चिपकाता है और डाल देता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में क्या घटना घटती है, क्या स्थिति होती है? When the postman looks the letter, जो डाकिया होता है वह पत्र जब छांटता है, आप जानते होंगे कि पत्रों को छांटकर कहां भेजना है, किस एड्रेस से भेजना है, जब वो छांटना शुरू करता है और जब ऐसे पत्र को देखता है with the address with God, जिस पर भगवान लिखा हुआ, he is surprised, बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है ना। He takes the letter, वह पत्र को लेता है, and he goes to the postmaster and shows, वह पोस्टमास्टर के पास जाकर दिखाता है। ठीक है, मुस्कुराता भी है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा पत्र देखा था। Everyone laughs at the address, इस पते को देखकर हर कोई हंसता है। Everyone laughs, but suddenly the postmaster becomes serious seeing the context, पत्र का मजमून यानी लिखा हुआ जो चीज है उसे देखकर पोस्टमास्टर तुरंत गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ही इज शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी सच अनशेकेबल फेथ, ऐसे अटूट विश्वास को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि कोई इतना भगवान में कैसे विश्वास रख सकता है। और डिसाइड्स टू हेल्प, वह डिसाइड, ही रिक्वेस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट करता है और उनसे कहता है कि वे मदद करें और वो 70 पिशोज जमा करके उसे भेजने की कोशिश करता है और वह पैसे लेंचो को भेज देता है। अब देखते हैं कि लेंचो का रिएक्शन क्या है। लेंचो का जो रिएक्शन था वो बहुत ही अजीब था। क्या था अब देखते हैं। द नेक्स्ट डे लेंचो कम्स विथ फुल कॉन्फिडेंस, उसे इतना आत्मविश्वास था कि वह फुल कॉन्फिडेंस में आता है एंड आस्क्स अबाउट हिज मनी ऑर्डर, और अपने मनी ऑर्डर को मांगता है और उसे पूरा विश्वास था कि पैसे जरूर आ गए होंगे। एवरीवन वांट्स टू सी हिज रिएक्शन, सो दे वेरी केयरफुली वॉच हिम, सब लोग देखना चाहते थे कि उसका रिएक्शन कैसा है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी है जब उसे पैसा मिलता है। सब लोग बड़ा ध्यान से उसे देखते हैं। ही इज नॉट अ बिट सरप्राइज, लेकिन वो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं था टू गेट द मनी ऑर्डर, पैसे पाकर बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं था। ही ओपन्स एंड सीम्स वेरी टेंस्ड काउंटिंग द मनी, और जब वह खोलता है लिफाफे को, मनी ऑर्डर को, और गिनता है तो बहुत परेशान दिखता है। और क्या करता है? ही डिमांड्स अ पेन एंड पेपर एंड अगेन राइट्स अ लेटर, और पुनः एक पत्र लिखता है। ठीक है ना, यहां तक समझ गए होंगे। अब लेंचो का ब्लेम, दोष लगाना, किस पर दोष लगा रहा है देखते हैं। लेंचो पोस्ट्स द लेटर एंड गोज, लेंचो ने पत्र डाल दिया, टिकट चिपकाया, डाल दिया। द एम्प्लॉयज वॉन्ट टू नो वॉट ही हैज रिटन, अब जो कर्मचारी हैं वो बड़े ही भावुक हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा है। दे आर शॉक्ड टू रीड द लेटर, लेकिन उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है, घोर आश्चर्य होता है जब वो लिखता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पिसोज रीच्ड मी, केवल 70 पिसोज ही मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच,
मुझे जल्दी से बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे डाक से मत भेजिएगा, डाकघर के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वे धोखेबाज हैं, धोखेबाजों के झुंड हैं, और वह ऐसा दोष उन लोगों पे लगाता है और अपना नाम नीचे लेंचो लिखता है। तो आपने देखा कि एक अंध भक्ति के कारण जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं पर वह दोषारोपण करता है। तो हमें भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई मदद करने वाला माध्यम हो सकता है, भगवान किसी माध्यम से मदद करते हैं। ठीक है, तो आप इस कहानी को समझ गए होंगे। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, सो यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज। अगर आपको कहानी को फिर से समझना है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्न सिटिंग एट होम।